नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं एक और नई डिश। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? लक्ष्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी गर्मियों में लीची की सीजन होती है। ये सीजनल फ्रूट है। कहते हैं कि भाई सीजन में जो सब्जियां हैं फ्रूट से खानी चाहिए, अपने हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। तो आज हमने सोचा हमारे घर पे लीची आई हुई है तो इसका हम कुछ बनाते हैं। हम ऐसी रेसिपी बताएंगे जिसे कि हम अभी भी इसको बना के पी सकते हैं और स्टोर करके हम 6 महीने बाद भी पी सकते हैं। इसके इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है और 6 महीने बाद भी हम इसका स्वाद ले सकते हैं बिना सीजन के। तो फ्रेंड्स, ये हमने लीची ली है और अब हम इनको छील के बीज निकाल देंगे। इस तरह से पहले इस तरह से छील लेंगे। और इसे इस तरह से कट करके इसके जो अंदर बीज होता है वो इस तरह से निकाल देंगे। और जो ये पल्प है ये हमारे काम आएगा। इसी तरह से सारे लीची के बीज निकाल के पल्प को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमने सारी लीची को छील लिया है। ये पल्प हमने साइड में निकाल लिया है और ये कचरा है, ये अब कुछ काम का नहीं है। एक लेते हैं मिक्सी का जार और 2 कप हम इसमें जो हमने लीची का पल्प निकाला है उसे इसमें ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसे ढक्कन लगा के बारीक पीस लेंगे। लीची को हमने पीस लिया है एकदम बारीक और अब हम इसे छान लेते हैं। ताकि इसमें जो भी कुछ थोड़े से बचे हुए हों इसके छिलके वगैरह या कोई क्रिस्टल वो ऊपर रह जाए और हमारा एकदम फ्रेश सा लीची का जूस मिले। लीची को हमने अच्छी तरह से छान लिया है और जो ऊपर ये एक्स्ट्रा जो पार्ट्स रह गए हैं ये हमारे कुछ काम के नहीं है। अब हम इसे रखते हैं साइड में। ये लिए हमने कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप शक्कर, क्योंकि हम इसे 6 महीने स्टोर करने के हिसाब से बना रहे हैं। इसलिए हम इसको थोड़ा पकाएंगे ताकि ये हमारे 6 महीने तक खराब ना हो और स्टोर हो जाए। हमने 2 कप लीची ली थी उसके सामने हमने 1.5 कप शुगर लिए और 1/2 कप पानी ऐड कर देते हैं। हमें सिर्फ इसको मेल्ट करना है, शुगर को चाशनी नहीं बनानी है और शुगर को मेल्ट होने देते हैं। यदि आपको हाथों हाथ पीना हो तो जब आप लीची को पीसें तभी शुगर ऐड कर दें। हम इसको स्टोर करेंगे इसलिए इसको थोड़ा पकाएंगे। हमें शुगर को मेल्ट ही करना है, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, इसलिए बस इसे मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे। शुगर मेल्ट हो गई है, बस हमें थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी चाहिए। पर ये हमारी चिपचिपी सी चाशनी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने लीची को पीसा था वो कुछ इस तरह से। इसमें हमें ना कोई कलर डालने की जरूरत है ना हमें इसमें कोई इलायची वगैरह डालने की जरूरत है, क्योंकि लीची का खुद का फ्लेवर इतना स्ट्रांग होता है, इतना अच्छा, कि हमें कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे 1 उबाल आने तक पका लेते हैं। पकाने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी तो ये हमारे 6 महीने तक स्टोर भी हो जाएगा। जब हमारा मन करेगा पीने का तब हम इसे निकाल के पी सकते हैं। और इसी टाइम हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 चम्मच जितना साइट्रिक एसिड, यानी कि नींबू के फूल। यदि आपके पास नींबू के फूल ना हो तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। हमारे पास है तो हम ऐड करेंगे, पर एकदम थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज्यादा ऐड नहीं करना है, ताकि इसके सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए और जो मीठापन है जो वो भी एकदम सेट हो जाए, बैलेंस में आ जाए और हमारी रेसिपी बनके एकदम अच्छी सी रेडी हो।
ये हमारी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। गैस को कर देते हैं बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद आप इसे कांच की बॉटल, कांच का जार किसी में भी स्टोर करके रख सकते हो। फ्रिज में ये 6 महीने तक आराम से रह जाएगी, खराब नहीं होगी। जब आपका मन करे तभी बना के पी सकते हो। ये ठंडा हो गया है, अब इसे छान लेते हैं। ये हमारा लीची का जूस एकदम रेडी। अभी एक थोड़ा गर्म है, जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे कांच के जार में भर के स्टोर कर लेंगे। ये हमारा जूस ठंडा हो गया है, अब इसे हम सर्व करते हैं। पहले हम इसमें ऐड करेंगे आइस और अब हम इसमें ऐड करेंगे पहले 2 चम्मच हम इसमें जूस ऐड करेंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच रोज शरबत, जिससे कि हमारे जूस का कलर बहुत अच्छा सा आएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एकदम चिल्ड पानी। और इसे मिक्स कर देते हैं। और जो ये जूस बचा है इसे हम बॉटल में स्टोर कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से लीची के चंक्स और साथ में हम इसमें लगाएंगे जो हम लगाते हैं समर में, यानी कि छतरी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लीची का फ्रेश सा जूस बनकर रेडी। देखने में भी बहुत ही अच्छा और पीने में भी बहुत टेस्टी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हमारा ये जूस पी के कमेंट जरूर करें कैसा बना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।